न्यू टीवी नेटवर्क्स में आपका इस्तकबाल है और मैं आपका होस्ट सैयद उस्मान अली। आज को हिरदगंज जामे मस्जिद में जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में शम्मा महमदी के परवानों ने शिरकत की और मुखररीन ने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तो ये देखते हैं कोहिर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खदीर की रिपोर्ट। लैलाओं की मोहब्बत को फंसा कर कोई शहजादा किसी बंधन से दिल लगाता है? क्या कोई शहजादा किसी बाजारी औरत से दिल लगाता है? क्या ईमान वाला किसी बाजारी खातून से दिल लगाता है? हुजूर की सीरत पे कोई किताब पढ़े क्या? जलसे कर ले, एक किताब भी हुजूर की मुबारक जिंदगी में। हमारे घरों का हाल यह है कि अगर कुछ दीन की किताबें सीरत की तफसीर की घर में रखी हुई हैं, अल्लू लग जाके मस्जिद में रख देना, मजदा के आ भी करो, घर में नहीं है जगह इसके। अच्छा, घर में कह के वास्ते जगह है, बोले तो शोकेस में गुड़िया रखने को जगह है, खिलौनों के स्कूटरा रखने को जगह है, कार रखने को जगह है, और प्लाज्मा टीवी लगाने को जगह है, डीवीडी प्लेयर लगाने को जगह है, ताकि मर के जाए तो बच्चे डीवीडी से देखते रहे तो अपने को भी अजाबे जारिया होते रहे। हम मर के चले जाएंगे, हम पिक्चर देखेंगे, अजाब अपने को होने वाला। तो वो डीवीडी प्लेयर के वास्ते जगह है, टीवी के वास्ते बहुत बड़ी जगह है, पूरी दीवार भर गई टीवी से, मगर दीन की किताबों के वास्ते जगह नहीं है, सीरत की तफसीर की किताबों के वास्ते जगह नहीं है। बोले क्या है, मस्जिद में रख के आधा मतलब क्या भी करो, बाबा छोड़ के कहते हैं वो पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ना है, हमारा क्या पढ़ना है, हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और क्या करते हैं, उसी में मरने वाला। अल्लाह हिफाजत करो। तो मेरे दोस्तों, और पढ़ना हुजूर पर जो सबसे पहली वही नाज़िल हुई वो पढ़ने की है। आज मुसलमान पढ़ने लगे, देखते रहिए वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क, ताकि आप रहे हर खबर से बाखबर। जब तक के लिए दीजिए सबा आफरीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।